बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होम स्कूलिंग का एक सवाल जो बहुत ज़्यादा उठ रहा है आजकल, आपको पता है, क्योंकि कोविड की बड़ी एक अनसर्टेनिटी है, सिचुएशन बहुत अनप्रडिक्टेबल है, कभी स्कूल्स खुल जाते हैं, कभी बंद हो जाते हैं, और कुछ माँ बाप जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहे हैं बच्चों को वापस स्कूल भेजने से, और वो ऑनलाइन ही क्लासेस या तो करना चाह रहे हैं या देर ट्राइंग टू रिजॉर्ट टू सम अदर सिचुएशन, सम अदर वेज ऑफ स्कूलिंग एंड एजुकेटिंग देयर चिल्ड्रन। तो उसमें एक होम स्कूलिंग की तरफ जो रुझान है और बच्चों का बच्चों को ज़रा शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है माँ बाप की भी, और उसकी जो एक बिकॉज इतना ज़्यादा हमने काम नहीं किया हुआ पाकिस्तान में होम स्कूलिंग के ऊपर, इतने ज़्यादा हमारे पास एग्जाम्पल्स नहीं अवेलेबल, कोई ऐसा सिस्टम नहीं अवेलेबल, कोई ऐसा सेटअप नहीं हुआ हुआ जिसमें आप कहें अच्छा जी आपने जो भी जानना है इसका दिस इज़ द प्लेस टू गो। और वेरिटा ने काम तो हम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, लेकिन शायद के बहुत ज़्यादा लोग इसको इतनी नहीं जानते हैं। अभी वीडियोज़ हमने यहाँ अभी बनानी शुरू की हैं, अभी रिसेंटली ऐसे हुआ है कि हमने इसको ज़रा ज़्यादा पब्लिकली अवेयरनेस के लिए हमने ये वीडियोज़ चढ़ानी शुरू की हैं, आप लोगों के सवालों के जवाब देने शुरू किए हैं। काम तो हम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, जो लोग हमें जानते हैं वो पता है उनको कि एक डेकेड से हो गया है कि हम डेकेड्स से बल्कि कि हम लोगों को पेरेंटिंग पे, होम स्कूलिंग पे, अनस्कूलिंग पे बेशुमार तरीके से लोगों को गाइड कर रहे हैं, लेकिन एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शायद कि अभी ये बहुत रिसेंट है इसलिए अब सवाल ऐसे उठते हैं जो बहुत बेसिक हैं, लेकिन अच्छा है कि आप लोग पूछते हैं और भी लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। और वो एक बहुत बेसिक सवाल जो है उनमें से है सिलेबस का, कि अच्छा क्योंकि हम आदि हैं ना, हम इतने आदि हैं, हम स्कूल से निकले हुए और हमने आगे पीछे सबको देखे स्कूल जाते हुए, और हमने सोचा भी नहीं कि स्कूलिंग या पढ़ाई की जा सकती है या एजुकेशन हासिल की जा सकती सिलेबस के बगैर, किताबों के बगैर, ये कैसे हो सकता है। मैंने बहुत दफ़ा इस पे बात भी की है कि हमें किताबों की या ये ज़रूरत नहीं है, स्पेशली अर्ली ईयर्स में। अगर आपका बच्चा 7 साल की उम्र तक है या उससे कम है तो मैं भी अपने बच्चों के साथ अनस्कूलिंग कर रही हूँ, ये नहीं है कि उनको ये चीज़ें आती नहीं है, उनके दिमाग इतने शार्प होते हैं कि मैं ना भी चाहूँ ना मैं अपने बच्चों को बाकायदा रोक रही होती हूँ कि बेटा यू डोंट हैव टू हैव अ बुक इन योर हैंड एंड बी डूइंग ABCs एंड 1, 2, 3 एंड एवरीथिंग। आपको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, बिल्कुल मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, मर्जी आपने करना है तो कर लें। तो मेरे बच्चे मुझे बिठा के करवा रहे होते हैं कि जी हमारा दिल चाह रहा है ना आप हमें पढ़ा दें हमें, क्योंकि उनमें इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है और लर्निंग की इतनी माशाल्लाह एक ज़बरदस्त एज होती है जिसमें दे पिक अप एवरी सिंगल थिंग। लेकिन फोकस कहाँ होना चाहिए, ना कि ये एजुकेशन और ये जो बड़े कन्वेंशनल तरीके से पढ़ाने का, लेकिन फोकस कहाँ होना चाहिए कि जी आपकी मोरालिटी हो, आपकी लैंग्वेज क्लियर हो, आपको समझ हो चीज़ों की सही गलत की, आपके सोशल स्किल्स डेवलप्ड हो, ये सारी चीज़ों पे फोकस होना चाहिए जो कि अनस्कूलिंग के मेथड में किया जाता है, और वही मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ अपने बच्चों के साथ। लेकिन जब बच्चे जो हैं 7 साल की उम्र से ऊपर हो जाते हैं तो ऑब्वियसली सवाल उठता है कि जी अब तो उम्र ज़्यादा हो रही है तो अब क्या करें वो अपने स्कूल का, कुछ उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, कुछ पता नहीं होना चाहिए कि उन्होंने ये ग्रेड्स पास करनी है, कुछ तो बाद में उन्होंने जॉब्स करनी है, ऑब्वियसली इतने ज़्यादा सवाल उठ रहे होते हैं। तो अब किस तरीके से हम उनको प्रिपेयर करें फॉर द लाइफ दैट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बी फुल ऑफ दोज पीपल जिन्होंने स्कूल से ही जो निकले हुए हैं उनके पास सारी कॉलेज डिग्रीज और सारी सर्टिफिकेशन वगैरह हैं, तो उनके लिए फिर ये तरीका है जो कि मैं बताने लगी हूँ। भाई अगर आपका बच्चा 7 साल की उम्र से ज़्यादा है तो सिलेबस एक तो आपको इट्स अप टू यू, अगर आप चाहते हैं कि एक 7 साल का बच्चा जो है जो कि टेक्निकली स्पीकिंग वो सेकंड ग्रेड में होगा, लेकिन क्योंकि होम स्कूलिंग की वजह से बच्चे जो इतने शार्प हो जाते हैं, उनके माइंड्स इतने शार्प हो जाते हैं कि वो अभी मेरा बच्चा जो है मेरा बेटा ही इज़ 5 एंड वो माशाल्लाह से वो एडिशन सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शंस कर रहा होता है जो बहुत लेटर ऑन जाके मैथ्स में करवाई जाती हैं, तकरीबन 2nd-3rd grade में जाके करवाई जाती हैं, वो माशाल्लाह वो कर रहा होता है, वो लिख रहा होता है, वो रिकग्नाइज कर रहा होता है सारी चीज़ें जो कि KG में या प्री स्कूल में नहीं करवाई जा रही होती। ये बहुत उसके हिसाब से देखा जाए तो अपनी उम्र से ज़्यादा कर रहा है क्योंकि इनके पास टाइम इतना ज़्यादा होता है, दे डोंट गो टू स्कूल एंड देर विद मी ऑल द टाइम, और मैं किसी ना किसी तरीके से उनको पढ़ा मतलब समझा ही रही होती हूँ या वो पूछते हैं सवाल में कुछ जवाब दे रही होती हूँ। तो आपका बेटा भी अगर आपको या बेटा या बेटी और 7 ईयर्स का अगर आपको चाहते हैं कि अच्छा उसको कोई तो स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसको वो मीट कर सके, तो यू डोंट नीड टू पुट हिम इन सेकेंड ग्रेड क्योंकि वो 7 ईयर्स का, ये स्टैंडर्ड कहीं ये तो ऐसे ही डेवलप हुआ हुआ है, यू डोंट हैव टू फॉलो द स्टैंडर्ड्स, क्योंकि आप होम स्कूलिंग मदर अगर हैं या होम स्कूलिंग पेरेंट हैं तो आपके पास ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट है कि आपको स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ उसकी समझ बहुत ज़्यादा है वो 7 का है लेकिन वो 5th grade का सिलेबस आराम से कर सकता है, तो आप उसको 1 by 1 या सब्जेक्ट वाइज पढ़ाना शुरू कर दें। आप उसको कहें अच्छा चलो पहले हम ऐसे करेंगे फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स
पहले पांच फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ग्रेड के जो है मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ा देती हूँ, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा देती हूँ, तुम्हें साइंस पढ़ा देती हूँ, अब लेके चलें उसको फर्स्ट सिक्स मंथ्स, फिर सिक्स मंथ्स, फिर सिक्स मंथ्स, इस तरीके से आपने छः पाँच सिक्स मंथ्स की भी जरूरत नहीं है, तीन महीने में हो जाएगा। तो आपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपने कवर करने हैं, वो आपने कर लिए, बाद में आपने फिफ्थ ग्रेड का उसको एग्ज़ाम में बैठा दिया, जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, आई डोंट नो फिफ्थ के अवेलेबल होते हैं या नहीं, अगर नहीं भी होते तो ऑनलाइन किसी तरीके से आपने कोई बेशुमार टेस्ट्स होते हैं जिनके आपको सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा लेकिन एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि बच्चे की कितनी समझ और कितनी नहीं है, या आपने बुक्स ले दी जिसके पीछे पास्ट पेपर्स होते हैं या टेस्ट्स होते हैं और वो आपने करवा दिए आप उसको प्रिपेयर करने के लिए कि अच्छा बच्चा जो है इस उम्र में इतना कुछ समझ गया, इस एज या इस ग्रेड के मुताबिक स्टैंडर्ड उसका सेट हो गया। अच्छा फिर आपने कहा जो मैं चाहता हूँ कि बाय द एज ऑफ 10 या 11 वो ओ लेवल्स कर ले, अब आप सोच रहे होंगे इतनी कम उम्र में ओ लेवल्स होम स्कूलर्स करते हैं, तो सिलेबस ना कि आपको सेट करना हो अकॉर्डिंग टू हिज एज, अकॉर्डिंग टू उसके आगे पीछे पेयर्स क्या कर रहे हैं, आप सिलेबस सेट करें अकॉर्डिंग टू उसकी आपको कितना लगता है कि वो कितना इंटेलिजेंट है या वो किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटेलिजेंट, क्योंकि हर बच्चा इंटेलिजेंट तो होता है लेकिन किस सब्जेक्ट में ज़्यादा तेज, साइंस इसको बड़ी अच्छी आती है, मैथ्स में बड़ा ज़बरदस्त है, लिखता बहुत अच्छा है ना, यू वुड नो बेटर कि वो किस सब्जेक्ट में बहुत तेज़ है, आपने वो उसको कराना शुरू किया, उसका एग्ज़ाम करवा दें, उसका ओ लेवल्स का करवा दें। अब आप सोचें अगर 10 साल की उम्र में आपका बच्चा ओ लेवल्स कर गया, पीछे एक सब्जेक्ट ही कर गया, एक सब्जेक्ट कर गया, तो फिर आपको किस चीज़ की परेशानी है? ऐसे ही अगले दो साल में आपने उसको एक और सब्जेक्ट करा दिया, ये एक साल में एक और सब्जेक्ट, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना पूरे साल में तो कोई मसला ही नहीं है। तो आप इस तरीके से सिलेबस सेट करेंगे उसका, अगर एक खातून का सवाल था कि 10 साल की मेरी बेटी है मुझे बताएं मुझे उसको क्या पढ़ाना चाहिए, तो आपको ये पढ़ाना चाहिए कि पहले तो देखें कि उसके स्किल्स क्या हैं, आपको देखना चाहिए उसका टैलेंट है क्या या किस चीज़ में बहुत अच्छी है, और आप उसको कराना क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट कि वो क्या करें, किस एज में वो क्या अचीव कर सके, किस टाइम पर जाके वो क्या कर सके, किस उम्र में जाके उसने ये जो बेंच मार्क से आपने सेट किए या माइल स्टोन से वो अचीव कर ले, उसके हिसाब से आप सिलेबस सेट करेंगे। सो देयर इज नो वन सिलेबस फॉर होम स्कूलिंग, होम स्कूल दैट इज व्हाई इट इज सो अकोमोडेटिंग, इट इज सो अकोमोडेटिंग एंड इट इज सो कस्टमाइज्ड, आपके बच्चे का क्या फ्यूचर चाहते हैं, क्या वो चाहता है, क्या उसमें स्किल्स हैं, क्या उसकी बहुत अच्छी चीज़ है, कौन सी चीज़ में वो सारा लैक करता है, आपके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन पढ़ाने वाला है, आप कितने अवेलेबल हैं, आप साथ स्कूलिंग चल रही है या नहीं चल रही, सिर्फ घर में पढ़ रहा है, ऑनलाइन क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या आप बहुत ही कम उम्र है सिर्फ अनस्कूलिंग कर रहे हैं, इसके मुताबिक आप जान पाएंगे कि बच्चे ने आखिर में करना क्या, उसके लिए आपने देख लिया डेस्टिनेशन की, अब ऑब्वियसली अगर आपसे कोई पूछे जाना कहाँ है तो आप कहें जी इस्लामाबाद, फिर वो कहेगा अच्छा मोटरवे ज़्यादा अच्छा रास्ता है या जीटी रोड से जाना ज़्यादा ज़रूरी है, आप कहें नीचे मैंने गुजरांवाला जाना है, फिर वो बताएगा अच्छा कौन सा ज़्यादा अच्छा रास्ता है। अब इस तरीके से यू नीड टू डेवलप दैट डेस्टिनेशन वेयर यू वांट योर चाइल्ड टू रीच, सो यू कैन सी कि अच्छी जर्नी होनी क्या चाहिए, उसमें साथ खाना रखना है या नहीं रखना, आपने गाड़ी में जाना है या रिक्शे में जाना है या आपने बाइक पर जाना है या बस पर जाना है, ये सारी चीज़ें तब पता चलती हैं जब आपको पता हो कि पहुँचना कहाँ है और आप अभी खड़े हुए कहाँ हैं, ये दोनों चीज़ें आप देख लें, खड़े हुए कहाँ, बच्चा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपको नज़र आती हैं कि बड़ी स्टैंड आउट कर रही हैं और कहाँ वो जाना चाहते हैं, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में या पैशन क्या नज़र आ रहा है और वो आप जाना कहाँ चाहते हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, सारी रिसोर्सेज क्या अवेलेबल हैं, उसके मुताबिक आप देखेंगे कि जर्नी कैसी होनी चाहिए। तो होम स्कूलिंग में कोई ऐसा सेट रूल्स नहीं होते कि मैं आपको बताऊं कि अच्छा ये सिलेबस पिक कर लें, ये सिलेबस पिक कर लें, इसका बड़ा अच्छा सिलेबस है कैम्ब्रिज, नो दैट इज़ अ स्कूलिंग सिस्टम एंड होम स्कूलिंग इज़ नॉट स्कूलिंग एट होम, that is online schooling, that is not what we're doing and that's not what I promote at all, homeschooling is ki aap dekh leke chale apne bacche ko customized tarike se padhaye, घर में देखें कि आपने क्या करना है, वो हो सकता है कि मैथ पढ़ रहा है तो सेवन्थ ग्रेड का पढ़ रहा है, तो इंग्लिश पढ़ रहा है तो फिफ्थ ग्रेड का पढ़ रहा है, तो साइंस पढ़ रहा है तो ओ लेवल्स का कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन वो कहाँ खड़ा है उसकी समझ में। तो इसको इस तरीके से लेके चले एंड आई होप इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प करेगा एंड उसके मुताबिक आप अपनी एक रेसिपी क्रिएट करें हर सब्जेक्ट की, जहाँ आप चाहते हैं बच्चा किस चीज़ में कहाँ खड़ा है उसके मुताबिक उसको, अगर आप कोई टेस्ट करवाना चाहते हैं जस्ट अ फॉर्मल तरीका, जस्ट अ स्टैम्प ऑन हिज क्रेडेंशियल्स, तो ठीक है फिर आप करवा लें, वो लेवल्स हैं, मेट्रिक है, व्हाटएवर दैट यू वांट आप करवा लें और उसके हिसाब से आप लेकर चलें, क्या हो सकता है 10 साल की उम्र में एक ओ लेवल कर लिया, 12 साल की उम्र में तीन और कर लिए, जैसे कि आप करना चाहते हैं, एंड दिस इज़ हाउ होम स्कूलिंग विल टेक इट्स रूट इंशाल्लाह। थैंक यू।